डॉक्टर संतोष बनर्जी, आपने बहुत सारा काम किया है ये प्लांट्स पे, ये आयुर्वेद मेडिसिन पे, जो जानवरों के लिए अच्छी रहती है। सो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो ये स्टॉल आपने लगा रखी है उस पर कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनका क्या क्या यूज़ है, लोगों ने क्या करना है, ये बताएंगे आप? आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं लेकिन पशुओं के लिए भी उसका प्रचार और प्रसार किया जाता है, जिसे पशु आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद पशुओं के लिए किस प्रकार से काम करता है, तो आयुर्वेद की जो वनस्पतियाँ हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं कि जिनका उपयोग प्राचीन काल से चला रहा है। जैसे हम जानते हैं महाभारत में नकुल और सहदेव जो थे वो पशु चिकित्सक थे, तो पशुओं की चिकित्सा तो पुराने समय से चली आ रही है। अभी जो है हमारा ये भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसके अंडर केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद और गढ़वासू का एक कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके तहत हम चाहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियां जो है वो पशुओं में भी आगे चलकर काम में आए, जिसके तहत अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया है जिसमें लगभग 90 मेडिसिनल प्लांट्स का प्लांटेशन हमने गढ़वासू के कैंपस में किया हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर ऐसी औषधियाँ हैं जो जानवरों में हम रूटीनली यूज़ कर सकते हैं और ईजिली उनमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कटकरंज है जिसे लता करंज कहते हैं या कटकरंज कहते हैं। इसके जो बीज होते हैं उस बीज का पाउडर हम जो जानवरों में जो बुखार है उस कंडीशंस में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो ये शतावरी है एस्परागस, इसका जो रूट है उसके बेसिकली रूट जो होते हैं वो सबसे अच्छे दूध बढ़ाने वाले होते हैं। अगर हम शतावरी का पाउडर का प्रयोग जानवरों में करते हैं तो हमें जो है उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है या मिल्क की जो वृद्धि है वो हम उसमें से पा सकते हैं। ये आधा तोड़ा वासी का है, वासा जिसे कहते हैं, मार्केट में वासा सिरप बहुत सारे मिलते हैं। तो ये जो है बुखार खांसी और बेसिकली जो अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस हम कहते हैं जानवरों में जो होती है उसमें काम आता है। उसके बाद हमारा ये चित्रक है, चित्रक जो है वो सबसे अच्छा एपेटाइजर है। कोई भी बीमारी की शुरुआत जो है वो भूख न लगने से होती है, और अगर हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं तो जो इनडाइजेशन है, अजीर्ण है, अपचन है, ऐसी कंडीशंस में इसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास का हाल ही में हमारे यहाँ पर एक औषधि बनाई गई थी जिसे हम टीट डीप कहते हैं। जानवरों में स्तन की जो बीमारी होती है उनमें जो इन्फेक्शंस होता है, अगर इसका जो डिकॉक्शन है या इसका जो स्वरस है उसमें अगर उनके टीट हम डीप करते हैं तो उससे जो है वहाँ का इन्फेक्शंस कम होता है, ऐसा देखा गया है। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही कॉमन औषधि है जिसे हम एलोवेरा कहते हैं या कुमारी कहते हैं, आयुर्वेद में इसको घृत कुमारी कहते हैं। तो इसका जो पल्प है अगर पशुओं को कहीं पर बर्न हुआ है तो उसके ऊपर इसका जो अंदर का गुदा है वो लगाने से तुरंत उसमें जलन जो है वो कम होती है और जो वुंड हुआ है, जख्म जो हुई है उसको हील होने में इससे सहायता होती है। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे हम, ये लोग अपने घरों में जैसे फार्म पे ये इसकी प्लांटेशन करना चाहें तो ये जो पौधे हैं कहाँ से मिल सकते हैं? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के ने इनिशिएटिव्स लिया है और जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स है मिनिस्ट्री आयुष के अंडर आती है, वो लोग लोगों को पौधे की खेती करने के लिए, उसको उसकी उपज बढ़ाने के लिए, और उसका सिर्फ खेती नहीं है बाद में उसको वो परचेस भी करते हैं, यानी खरीदते भी हैं और वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड को लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं जिससे उनके मिल जाए। हमारा जो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इनिशियल स्टेज में, अगर कुछ समय के बाद हम भी इस स्टेज में आ जाएंगे कि हम लोगों को इसके जो बीज से जब हमारे बढ़ जाएंगे प्लांट्स तो हम उसको सेल के रूप में या लोगों को दे सक पाएंगे। जब भी आयुर्वेद का नाम आता है तो उसके साथ दूसरी चीज़ आती है, लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ जानते हैं वो होता है त्रिफला। तो त्रिफला में बेसिकली हरड़, बहेड़ और आंवला आता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बुखार से लेकर कब्जियत जैसी जो बीमारी है वहाँ तक इस त्रिफला का उपयोग होता है। वेट कम करने के लिए इसका सबसे अच्छा काम होता है। उसके बाद हमने पहले शतावर के बारे में जाना, ये गुंजा है या रत्ती नाम से इसको जाना जाता है। इसके जो बीज है उसको तेल में पकाकर हम स्किन डिसीज में उसका उपयोग करते हैं, जो एक्जिमा है या रिंगवर्म इन्फ्रस्ट्रेशंस है तो उसमें इसका प्रयोग होता है, इसके तेल का प्रयोग होता है। एरन हम सब जानते हैं, एरन जो तेल है वो कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, जब जानवरों में जब कब्जियत होती है तो उसको रिलीव करने के लिए हम इसके तेल का प्रयोग करते हैं। आज भी ट्रेडिशनली लोग उसको यूज़ करते हैं एरंड के तेल का।
उसके बाद अजवाइन है, जैसे अभी सर ने कहा कि ये जो है सबसे अच्छी कार्बिनेटिव है, तो अजवाइन, सौंफ और जीरा, इसका कॉम्बिनेशन अगर हम प्रयोग करते हैं तो जानवरों में जो टिम्पनी है, जिसे हम ब्लोट कहते हैं, पेट फूलना है, अधमान हम आयुर्वेद में उसे कहते हैं, तो उसके रिलीफ के लिए ये सबसे अच्छी दवाई है। और बाकी जो है मेथी है, कलौंजी है और हड़ी जो है, ये दूध बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी औषधि है, तो उनका दूध बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर।